जेके न्यूज़ टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत ठाकुर। मिनी टैक्सी यानी जम्मू का ऑटो जो है उसका भविष्य अब जो है वो कहीं ना कहीं अंधकार में लग रहा है, खतरे में लग रहा है, क्योंकि जब से जम्मू में ई रिक्शा चलना शुरू हुए हैं इन लोगों का कामकाज जो है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। और इन लोगों का कहना है कि अगर ई रिक्शा इसी स्पीड से चलते रहे तो ये मिनी टैक्सी जो है ये जम्मू में जल्द से जल्द जो है वो लुप्त होने वाली है। जी क्या नाम है आपका सर? जगजीत सिंह। जगजीत जी मुझे बताइए, जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में अब इलेक्ट्रिक ऑटो चल रहे हैं और उस ऑटो में 3-4-5 सवारियां भी बैठ सकती है, आपका जो पुराना ऑटो है इसमें जो है इंडिविजुअल 1-2 आदमी बैठता है, कितना फ़र्क पड़ा है आपको काम काज? जब से ये ऑटो आए हैं इलेक्ट्रिक वाले, तो ये काला ऑटो है जो हमारा, इसका भट्ठा बह गया है और हमारे पास कोई नहीं आता है। और जितने भी ऑटो हैं ये काले जम्मू के अंदर, सब ड्राइवर और उनके घर वाले भूखे मर रहे हैं। हमारा काम जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। 1-2 फेरे लगते हैं, वो भी कभी लगते हैं तो कभी नहीं लगते। इसलिए मतलब है कि हमारी हालत बहुत ख़राब है, और अगर हम आप ऐसे ही करेंगे तो हम सारे ऐसे मर जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक ऑटो जो है वो सस्ता पड़ता है लोगों को, आप लोग महंगा देते हैं, ये मजा तो नहीं है कहीं? नहीं, हमें सस्ता महंगे से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने काम का मतलब है। और हमारा धंधा ख़त्म हो गया है, हमें सिर्फ अपने दिखना है कि हम सुबह से आते हैं, शाम को पूरा दिन खड़ा रहते हैं, 1-2 फेरा लगता है, उसके बाद हम, हमारे घर में भी परेशानी पड़ी हुई है, हमारे बच्चे भी परेशान हैं और हम भी परेशान हैं। वजह क्या लगती है आपको कि इलेक्ट्रिक ऑटो में लोग क्यों बैठते हैं, आपके पास क्यों नहीं बैठते? एक तो सस्ता है, दूसरा बैटरी का है, और लोग जो उनको ज़्यादा पसंद करते हैं 10-20 रुपये में ले जाते हैं, तो हमें ये पेट्रोल गाड़ी है और इसलिए हमें दिक्कत तो है ही। आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि आपको भी इसको कहीं कल को अगर बदलना पड़ेगा तो इसका क्या मूल्य भाव मिलेगा आपको? बदलने वाला कई बंदे ऐसे हैं जिनको रोटी नहीं जुटी जनाब, वो अपनी एक गाड़ी के लिए भी उसको क्या मिलेगा और दूसरी गाड़ी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, वो तो बहुत मुश्किल है। इसलिए जो सही बात है कि गवर्नमेंट ने अगर ऐसा काम करना था तो पहले काले ऑटो वालों के बारे सोचना था, और अगर हमने नहीं सोचा था, हमारी हालत इस वक्त बहुत बदतर है और हम मरने के लायक। कई बार ना एलिगेशन लगाए जाते हैं कि उनका जो है रूट अलग अलग होते हैं, वो जहाँ मर्जी से अपनी सवारी उठा लेते हैं, काले वालों का अपना स्टैंड होता है हर बंदे का। हाँ हाँ, इसलिए ये ज़रूरी है, हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि ये जो ऑटो इलेक्ट्रिक वाले हैं, ये हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह जगह में इन्होंने डेरे डाले हुए हैं, इनका स्टैंड बनाया जाए ताकि हमें भी पता लगे कि ये कौन से स्टैंड की गाड़ी है, और इनको अपने बखरा बखरा जगह पर इनको जहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ वहाँ इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। क्या आप अपने स्टैंड में इनको खड़ा नहीं होने देंगे अगर ये आएंगे आपके? अगर हमारे स्टैंड में खड़ा होएगा तो जो हमारे 1-2 फेरे लगते हैं वो भी नहीं लगेंगे, फिर हम क्या करेंगे? इसलिए अपने अपना स्टैंड बनाएं, उनको स्टैंड दें, जगह दें, ताकि वो अपने कहीं भी अपने एडजस्टमेंट होए, उनको भी पता लगे भाई हमारा कोई स्टैंड है। जानीपुर से गाड़ियाँ यहाँ आ रही हैं, उधमपुर से गाड़ियाँ यहाँ आ रही हैं, जहाँ दूर से, जहाँ नवें शहर से गाड़ियाँ जम्मू नानक नगर जा रही हैं, और दूर दूर से गाड़ियाँ जो जहाँ जहाँ से भी आई हैं वो इधर जम्मू सिटी के अंदर चल रही हैं, और आम लोगों का जीना हराम किया हुआ है इन लोगों ने। चाचा थोड़ा क्या नाम है? स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सिंह जी मैं दसो, किन्ने साल हो गए तो ऑटो चलाते? 35-40 साल हो गए। 40 साल तो जिसले तुम ऑटो चलाते ही आराम नाल घर चलता ही थोड़ा? हाँ जी हाँ जी चलता सी। हुण की तुहानू की लगता कि परेशानी की आएगी? परेशानी काम ही कोई नहीं रहा, तो क्या करना है, तो काम ही कोई नहीं जदों से रिक्शे पड़े ने। क्यों नहीं रिक्शा ले लेंगे हो? ये गड्डिया कितने बेचिए फिर? हूँ 3.5-3 लाख की गड्डी है, 2 लाख नहीं लगना, 1.5 लाख भी नहीं लगेगा तो की करेंगे? तो लगता है कि हूँ जरा पेट्रोल वाली गड्डी का काम जरा वो ठप हो गया, जी बैटरी है इलेक्ट्रिक है वो चलेगा? चलनी तो वही चलनी, देखो गड्डी चलती है, क्या कर दी गवर्नमेंट, की कर दी कि नहीं। चलो खिलाफ ना कई बार लोग कहते जी ये बड़ा जी ओवर चार्ज करते हैं, बड़े पैसे लेंदे ने, वो 10-20 रुपए पर पेट्रोल की गड्डी ने जो पैसे अपने हिसाब से लेने, दूजी गड्डी ने अपने हिसाब से ही लेने, जितने पेट्रोल फूकना उतने लेने ही लेने पैसे, उन्होंने क्या करना, कितना का फर्क है? जो 4 सवारी बिठाएगा 80 रह जाएंगे, असं 2 सवारी 3 बिठा के 100 रुपया ले लेंगे, कितना फर्क लगता है? उनकी फ्यूचर है तुम्हारी गड्डी का? देखो जी देखते हैं क्या बनता, क्या नहीं, फिर की देखना। चलो
दो दो लाख का परमिट मंगाई वैसे तो फ्री गड्डियाँ जा रही हैं, क्या करना कहने। ये तो महंगे हैं, बहुत सस्ते हैं, वो सवारी आती है उठा के ले जाते हैं, ये रहते हैं बैठे हुए, इनको सवारी मिलती नहीं है, शाम तक के बैठे रहते हैं, इनका खर्चा कैसे चलेगा, वो उनका तो खर्चा पानी बन जाएगा, इनका खर्चा पानी नहीं बन रहा सुबह से लेकर शाम तक। क्या वजह क्या लग रही है आपको? वो सस्ते हैं ना, जे महंगे थोड़े से महंगे थे, अब इनों को भी छूट होगी है ना, ये भी चाहते हैं हमें भी कोई सवारी मिले सस्ते में तब भी हम चलें, मिल नहीं रही है इधर। वो ज़्यादातर शौक करते वो ई रक्षे वाले को, वो सोचते वो ही सस्ता, वो ही उसी के पीछे भागते, वो लोग भी इनके पीछे आते नहीं है। ये कह रहे हैं कि अब देखो सुबह से, आप कह रहे हैं कि सुबह से झाड़ियाँ नहीं लगी हैं, अभी तक बोनी नहीं की होगी इन्होंने, बोनी तो ई रक्षे वाले भी काम ही करते हैं, कहीं कहीं तो ज़्यादा बना लेते हैं, कहीं कम बनाते हैं, तभी जो भी बेचारे बैठे हुए हैं, अभी तक सुबह से बोनी नहीं की है, घर से आए हुए हैं, शाम तक कभी बोनी होती भी नहीं है इनकी, कभी बोनी होते कभी नहीं होते। तो क्या लग रहा है आपको कि आने वाले दिनों में इसका भविष्य जो है वो खतरे में है? ये तो खतरे में ही है, ही इनको भी ई रिक्शा ही डालना पड़ेगा, तभी जाके काम इनका भी थोड़ा सा चलेगा। अगर कह रहे हैं कि ई रिक्शा डालेंगे मगर इसको कोई खरीदने वाला भी नहीं बचा। वो तो है नहीं, इनके पास खरीदने वाला नहीं है, इनके पास पैसे भी नहीं है, डालेंगे कहाँ से, जे किसी का किराए पर लेके चलाएंगे तो वही है अब, तो पैसे कहाँ से लाएंगे जे। इन लोगों का ये भी कहना है कि सुबह से ये शाम तक खड़े रहते हैं, इनकी बोनी नहीं होती है, इनके परिवार वाले परेशान हैं, ये खुद लोग परेशान हैं, मगर जिस तरीके से मार्केट में इस समय इनको रिस्पांस मिल रहा है वो काफ़ी नेगेटिव है, जिस वजह से ये लोग बहुत परेशान हैं। और इनका कहना है कि अगर इसी तरीके से ई रिक्शा की रफ्तार चलती रही तो ये लोग जल्द से जल्द जो हैं वो जम्मू की सड़कों से गायब हो जाएंगे। कैमरामैन काकाराम के साथ रंजीत ठाकुर, जेके न्यूज़ टुडे।